जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि ये हमें कई रंग दिखाती है। कभी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना। कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश। कई बार तो ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल एक कदम दूर होती है मगर हम पहले से ही हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे में हौसला बनाए रखना और हिम्मत न हारना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए तो कहते हैं काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के मिस्टर मजदूर की जिसने अपने हौसलों और हिम्मत से अपनी जिंदगी बदल दी। शिवा, बल्ली मिल वाले रास्ते पर है। हेलो, शिवा यहां से निकल चुका है, तुम्हारे पास ही आ रहा है। वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। चिता चलते हुए देखना है मुझे। मुझे माफ कर दो शिवा। नहीं शिवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। शिवा नहीं, शिवा शिवा छोड़ दो मुझे।
क्यों मारा तूने उसे? तुझे क्या लगा कि मैंने उसे इतनी आसानी से मार दिया होगा? मैंने न जाने कितनों को मारा, अब तुझे भी मारूंगा। मेरे ऊपर पानी किसने डाला? वो बलि ने डाला है। अरे रुको सालू, तुम्हारा बर्थडे है ना, हम तुमसे पार्टी लेने और तुम्हें विश करने आए हैं। चलो करते हैं ना पार्टी यार। वहां क्या देख रही हो? वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, तुम्हें पता है। अरे देखना, एक दिन इससे भी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे। यार काफी टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। आओ फिर चले। बेटे सालू, अब इतनी न घुमा कर, तेरी शादी होने वाली। वहां क्या देख रही हो? वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, तुम्हें पता है। यार शालू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसे बहुत खुश देखना चाहता हूँ। खुश तो मैं भी उसे बहुत देखना चाहता हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ अपने साथ। अरे बल्ली तू क्या सोचने लगा? कुछ नहीं, आओ चलते हैं। अरे बल्ली यहाँ क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं। अरे वो सालू की शादी है ना, तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ पता है, चल। अरे वो सालू की शादी है ना, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें नहीं पता क्या? सालू, सालू क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन लिया तुमने? तुम शादी कर रही हो? हाँ वो आया है एक रिश्ता, घर वालों को पसंद भी है, पैसे भी बहुत अच्छे कमाता है। और मैं क्या बात करूँ मैं तुम्हारे बारे में अपने घर वालों से? तुम पैसे कमाते हो, तुमसे शादी करूँ? तुम्हें पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसा ही कमा के दिखाऊंगा।
क्या सोच रहे हो भाई? शहर जाने की सोच रहा हूँ। क्या करेगा शहर जाके? सालू से वादे किया है ना, उसे पैसे कमा के दिखाऊंगा। यहाँ तो कोई पैसा देगा नहीं, उसके लिए शहर तो जाना पड़ेगा ना। हाँ यार, पैसा कमाना भी जरूरी है, ध्यान रखना अपना। जब तक तू पैसे कमाकर वापस आएगा ना, तब तक तो मेरी हो चुकी होगी। अब आए हो तुम, मिल गया टाइम तुम्हें। पहले कहाँ थे? तुमको पता है ना मेरी विदाई होने वाली है। अरे यार सालू, किसी काम से बाहर गया था। अच्छा ये बताओ शिवा कहाँ है? मुझे क्या पता शिवा कहाँ है। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? मुझे शिवा से बात करनी है। बल्ले बेटे, जिनकी खाट खटोली आ रही उन्हें पूछवाओ। ठीक है माँ जी। भाई की शादी हो गई। तुम बताओ, खाना वाना भी खा लिया या वैसे घूम रहे हो अभी? अरे यार दूल्हे राजा को अकेला भी छोड़ दो यार, सामान वामान रखवा लो, चलो यार। तुम कहाँ चल दिए? तुम तो यहीं बैठो। और साले साहब, कितना वक्त है विदाई में? साला नहीं हूँ मैं, समझा? इसको क्या हुआ, बड़ा अजीब आदमी यार। ठीक से मिला भाई से? बढ़िया तरीके से। हाँ, और काम कैसे चल रहा है भाई? अच्छी तरीके से। हाँ हाँ हाँ, जिस तरह से मिल रहा है मिस्त्री जी, काम सही चल रहा है? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है? अच्छे से काम करो। हेलो, सुनो, तुमने सुबह से एक भी काम अच्छे से नहीं किया, मैं तुम्हें आज एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ। चलो चलो। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब, मैं कर लूंगा साहब, मैं कर लूंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ साहब। बाबा आप यहाँ बैठो। सर ये काम मैं कर दूँ? ठीक है, तुम काम करना चाहते हो तो काम करो, चलो जल्दी निपटाओ बस। अच्छा किया, गुड। ओए सुन। यस सर। क्या नाम है तेरा? शिवा। शिवा, काम अच्छा करते हो। मैं 10 दिन बाद एक और प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मुझे फोन जरूर करना। ये मेरा कार्ड है और ये पैसे रखो, मिलते हैं जल्दी, ठीक है? बिल्कुल सर। मैं कर लूंगा साहब, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। बाबा ये लो पैसा, और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाना। और हाँ, आज से मुझे अपना ही बेटा समझना। और भैया मैं? तुम मेरे भाई जैसे हो, चिंता मत करना। इस साले को तो पोत के घाट उतारना ही पड़ेगा। Yeah.
चला था सालू से शादी करने। जो भी मेरे और सालू के बीच जाएगा उसका यही अंजाम होगा। अबे ऐसे क्या हुआ बिट्टू? बिट्टू अरे भाई भाई ये तो मर गया। ये आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये आ गया सामान और ऊपर चलते हैं। लो भैया आ गए हम ऊपर। ये सारा जो ऊपर का काम था वो मैंने कंप्लीट करा चुका है, बस लैंटर डल चुका है और आगे की कार्रवाई चालू है। ये पिलर आपने जैसे ही बोला था वैसे ही तैयार कराया है, क्योंकि इधर जो ईंटें हमने नीचे से ऊपर मंगा लिया है क्योंकि लेबरों को बार बार दिक्कत होती है और लेबर काम नहीं कर पाती, समय ज़्यादा लग जाता है। और ये जो आपने सामने वाली बाउंड्री बोल दी ना वो 10 फीट करा दी है, उतनी बोला था आपने करने के लिए, और 4 फीट की बाउंड्री इसकी कराई है जो आपने बोला था। और ईंटें वगैरह बालू वगैरह सब नीचे से आ रहा है। ठीक है सब आपको ही देखना है, मैं कल गाँव जा रहा हूँ जी। सब जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है जी, अच्छे से करना। आपने जो जिम्मेदारी मेरे को सौंपी है ना मैं उसे अच्छे से निभा रहा हूँ, आप टेंशन ना लो। तुम्हारी नजरों में ये मनहूस है ना? यह विधवा है इसलिए मनहूस है। तो ठीक है मैं करता हूं उससे शादी। चलो
सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ। ये जल्दी जल्दी करो, फावला लेके आ। मैं करता हूं उससे शादी। सर थोड़ा पेमेंट करा देते। काम हो गया तुम्हारा? सर हो गया। ठीक है, करा दो। थैंक यू सर। शिवा, हरामखोर, पैसे हमसे लेता है और काम यहाँ करता है। क्यों बे बुड्ढे, दिमाग सेट आ गया क्या तेरा? पैसा निकालना। बता हमारे पैसे कहाँ है? शिवा, यहां कुछ गुंडे घुस आए हैं और मजदूरों को भी मार रहे हैं। तुम जल्दी आ जाओ। बल्ली ने भेजा है तुझे खत्म करने के लिए।
पक्का जाओ, मेरा बैग लेके आओ। अभी भी दुश्मनी की ख्वाहिश हो तो कभी भी आ जाना, वरना जिंदा रहना है तो मेरी नजरों के सामने मत आना। कल सुबह तैयार रहना, हम दोनों गांव जाएंगे और ये हमारी नई गाड़ी। वाओ! अरे शालू, आज कहीं बाहर चले खाने के लिए? सालू, ये है मेरा सपना। वाओ! कितना अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश हो ना? मैंने कभी सोचा भी नहीं था शिवा, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे। तुमने इसे गांव में से मनहूस कहकर निकाल दिया था ना, कोई मनहूस नहीं होता, आदमी का टाइम खराब होता है। आज मैं इससे शादी कर बहुत खुश हूँ, और मेरे नीचे 15-20 आदमी काम कर रहे हैं। और निकाले, हमने तुम्हें गलत समझा, मैं गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। ध्यान रखिए अपना। शालू, तुम्हें पता है अब वो रेस्टोरेंट हमारा हो गया, सच में।